दिस इज नरेन और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। इससे पहले मैं पढ़ाऊँ लोगों की राय, और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि एक्टिव पैसिव पढ़ाए, क्योंकि इससे पहले मैंने टेंस ख़त्म किया और लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत लोगों ने देखा और स्टडी किया, इवन कुछ लोगों ने तो मुझसे बात की और कहा, तारीफ भी की, और बहुत बच्चों ने कहा कि सर बहुत हेल्पफुल रहा। तो इसलिए उन लोगों की डिमांड पे मैं एक्टिव और पैसिव शुरू करूंगा आज से। आज केवल इंट्रोडक्शन होगा। इससे पहले मैं शुरू करूं, कहना चाहूंगा कि मेरा यूपीएस लालपुर राजपुर यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू कहूंगा कि मोर देन 250 पीपल जो हैं, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, और भी जुड़िए, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। उम्मीद है आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आज हम एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे थे। एक्टिव और पैसिव की बात में, ठीक है, तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वो होता है जैसे सब्जेक्ट, जब कोई काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट मीन्स करता, जैसे कि नरेन पढ़ा रहा है, ठीक है, किताब पढ़ा रहा है, तो नरेन करता है। देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को एक बार देख लीजिए फिर से। जैसे राम टीचर्स, राम टीचर्स बुक, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, राम की पढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तीन चीज हुई, ठीक है। तो एक्टिव में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट के जरिए जो होता है होता है। देखिए मैंने क्या लिख रहा है, जब वाक करता किसी कार्य को करता है तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ करता कार्य स्वयं कर रहा है। अ सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन, अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट द वर्क डन, देखिए द सब्जेक्ट डज सम एक्शन, मतलब जब कोई सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव मतलब कहने वाला, जितना आज तक आप लोगों ने पढ़ाया है, मैंने टेंस पढ़ाया, जितने भी सेंटेंस बताए हैं, ठीक है, वो सारा एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव की बात देखिए, ठीक है, जब वाक्य का कर्ता स्वयं किसी को कार्य को नहीं करता है। देखिए पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, पैसिव का क्या मतलब होता है, निष्क्रिय, जब कर्ता आपका निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, मतलब होता नहीं है लेकिन बोला ऐसा जाता है जैसे कि निष्क्रिय है, ठीक है। जब वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके पैसिव हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है, तथा कार्य ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है या कार्य का संपादन स्वयं सब्जेक्ट पर होता है, वह वाक्य पैसिव वॉइस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो देख चीज ध्यान देने वाली बात है, इसमें किसकी प्रधानता है, सब्जेक्ट की, और इसमें प्रधानता किसकी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब इंटरचेंज हो गया है, जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जहां ऑब्जेक्ट था वहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इस चीज को समझना है हमको। तो इसमें ऑब्जेक्ट में देखिए, द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज डन नॉट बाय द सब्जेक्ट बट बाय द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाएगा तब होगा, ठीक है। जैसे इस, चलिए इसको मिटा रहा मैं, जैसे जैसे हम लोग आगे, आज मुझे कोई सेंटेंस नहीं बता रहे, आज तो मैं केवल डिफिनेशन ही बात करूंगा। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, देखिए आम उसके द्वारा खाया गया, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट एज ए आम, ऑब्जेक्ट जहां आगे आ गया, आम उसके द्वारा खाया गया, ठीक है। तो ये तो होना क्या चाहिए था, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, लेटर इज, उसने पत्र यहां होगा लिखा है, लिखता है कर दीजिए, उसने पत्र, उसके द्वारा पत्र लिखा है, लिखा गया है, फिर कह सकते हैं उसके द्वारा पत्र लिखा गया है, ठीक है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, उसने खाना खाया, ठीक है। तो इन सेंटेंसों में क्या हुआ, देखिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यहाँ पे ए लेटर
यहाँ पे अ लेटर सब्जेक्ट की तरह काम हुआ जो कि ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट हो गया क्या आपका, ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ये सेंटेंस कैसे रहा होगा, ही राइट सर लेटर, ये सब्जेक्ट वह पत्र लिखता है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका एक्टिवाइज, ये है आपका एक्टिवाइज, ये है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब जब कन्वर्ट किया गया तो इस तरह हो गया, ठीक है। वह पत्र लिखता है का कहा गया, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, इसका संधि में क्या होगा, वह पत्र लिखता है, तो ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसों में देखिए क्या हुआ है, इन दोनों सेंटेंसों में देखिए लेटर खिसक के कहाँ गए, यहाँ, और ये खिसक के चला गया यहाँ। तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले और सब्जेक्ट चला गया बाद में, यही अंतर है, हमको इसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। मैं इसे देख ले, मैंगो वाज ईटन बाय हिम, ठीक है। यहाँ राम लिखा है तो राम कर दीजिए, ठीक। आम राम द्वारा खाया गया, तो ठीक है। तो इसका एक्चुअली क्या हो गया होगा, राम एट तो ये एक्टिवाइज का सेंटेंस है, राम एट मैंगो, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया का क्या हुआ, राम द्वारा आम, ठीक है, आम राम द्वारा खाया गया, ये कह सकते हैं। तो ये इस तरह हमें करनी है, चीजें को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें भी 8 तरीके के होते हैं, ये सारे चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। 8 सेंटेंसेस होते हैं, 12 नहीं होते हैं, जिससे उसमें होता है टेंस में जब बात की तो 12 थे, लेकिन इसमें 8 हैं, कुछ के नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्टिवाइज और पैसिवाइज। तो आपको चीजें क्लियर हुई हैं, क्या क्या हुआ है इसमें, इसका प्रोसीजर भी अब अलग हो जाएगा। इसमें तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और फिर सब्जेक्ट होगा। ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे काम करेगा, ठीक है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, जब आप पैसिव की बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही यूज होने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था, इसमें प्रधानता है सब्जेक्ट की, इसमें है ऑब्जेक्ट की। जैसे जैसे हम नेक्स्ट जब हम करेंगे वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिवाइज कैसे बनाना है, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक और, इसके आगे का चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। और हमारे पेज को सब्सक्राइब करते रहिए, UPS लालपुर राजपुर का चैनल है, फेसबुक यूट्यूब पर दोनों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।